क्या मतलब है आपका कलेक्टर साहब? चौधरी साहब, ये जोर दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते। बात तो साफ है, जमींदारों ने जमींदारी निभा ना पाई, इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार जमीन का असली मालिक किसान होगा, यानी हर जमींदार के लिए हद कायम की गई है और आपके लिए सिर्फ 15 एकड़ जमीन रह जाएगी। और मेरी बाकी जमीन? वो तो सरकार ले लेगी और आपके गांव के उन किसानों में बांट देगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। वाह, बाप का राज है क्या? आप समझते हैं इस तरह हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी? किसानों के घरों में घी के चराग जलेंगे? घी के चराग नहीं जलेंगे तो कम से कम गरीब किसान इंसान की तरह जी तो सकेगा, जानवर की तरह नहीं। खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है? इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आप मुट्ठी भर भी ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे। जाइए, जाकर अपनी सरकार से कहिए कि गरीब का मुकद्दर उस पर रहम करने से नहीं बल्कि उसमें जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम तुम्हारी राय लेने नहीं आए चौधरी, हम इस फार्म पर दस्तखत लेने आए हैं। आओ करो। मैंने आज तक किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए सिवाय चेक के। बहसियत कलेक्टर, हम तुम्हें हुक्म देते हैं। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूं जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। तुम ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। आओ दस्तखत करो। वरना हम बहसियत कलेक्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना भी जानते हैं।